भैया लीची के इस दो साल के पौधे को मैंने 18 इंच के गमले में लगाया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस छोटे प्लांट में भी फ्रूटिंग हो रही है और इसकी लीचियां पककर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई हैं। अगर आप भी मेरी तरह गमले में लीची का प्लांट अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लीची गर्मियों से लेकर बरसात के मौसम तक मिलने वाला ऐसा फल जो सभी को बहुत पसंद आता है, पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर पर भी लीची का पौधा उगाकर घर की उगी ताजी लीचियों का मजा ले सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही लीची का पौधा उगाने और उसमें फल पाने के 3 तरीके बताने वाला हूँ। मैं आपको फ्रेश लीची के बीज से, ग्राफ्टिंग से और एयर लेयरिंग यानी गुटी बांधकर लीची के ऐसे पौधे तैयार करने का तरीका बताऊंगा जो इस तरह से 1-2 साल के अंदर फल देने लगेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बीज उगाने से लेकर पौधे के 1 साल का होने के बाद उसमें ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग करके उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, वो भी पूरे 1 साल के अपडेट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीश और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके यहाँ लीची का पौधा उगाने के बाद उस पर फल आएंगे या नहीं, तो जहां जहां आम का पेड़ उग सकता है वहां पर लीची का पौधा भी बड़ी आसानी से उग जाता है। सबसे पहले मैं आपको बीज से लीची का पौधा उगाने का तरीका बताने वाला हूं। इसके बाद पौधा बड़ा होने पर इसकी ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग करना सिखाऊंगा। बीज से लीची का प्लांट उगाने के लिए हमें फ्रेश सीड्स की जरूरत होती है। मैं सीड्स के लिए कुछ लीचियां ले आया हूं। सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए हमेशा सबसे बड़े और लाल और एकदम फ्रेश लीची ही होना चाहिए। अब मैं इसका पल्प निकालकर सीड को अलग कर रहा हूं। मैंने 6-7 बीज साफ कर लिए हैं। सीड्स के किनारों को भी इस तरह से खुरचकर साफ कर लीजिए। अब मैं इन्हें 1 दिन तक शेड में सुखाने के लिए छोड़ दूंगा। इससे किनारों पर सूखी लेयर बन जाएगी और फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा। 1 दिन बाद सीड्स का टिप सूख गया है और अब ये लगाए जाने के लिए तैयार है। सीधे मिट्टी में उगाने की जगह 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर हल्का गीला कर लीजिए और सीडलिंग मिक्स बना लीजिए। एक ड्रेनेज होल वाला पॉट लेकर उसमें मिक्सचर भर दीजिए। सीड्स को बराबर डिस्टेंस पर लगाकर 1 इंच गहरा लगा दीजिए। अब इनमें पानी दे दीजिए। जर्मिनेशन होने तक इसमें हमेशा नमी बनाए रखना होगा। 8 दिनों बाद कुछ सीड्स में स्प्राउटिंग हो चुकी है। इन्हें बाहर निकालकर चेक करते हैं। अब मैं इन्हें वापस लगा देता हूं। सीड्स को लगाए हुए आज 20 दिन हो गए हैं और इनमें से 3 प्लांट्स काफी अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं। लगभग 1 महीने का हो जाने पर इन्हें मिट्टी के बड़े पॉट में मैं शिफ्ट कर दूंगा। एक साल बाद हमारा बीज से उगाया हुआ लीची का पौधा लगभग 1.5 फीट का हो गया है और काफी हेल्दी है। सीड ग्रोन लीची प्लांट को जमीन में उगाएं तो 7-8 साल बाद बड़ा पेड़ बनने के बाद ही इसमें फल आएंगे। अगर गमले में उगाया तो शायद इसमें कभी फल ही ना आए, लेकिन ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा 1-2 साल में ही इस तरह से फल देने लगता है। इसलिए अब मैं इस 1 साल के लीची के पौधे पर ग्राफ्टिंग करूंगा। ग्राफ्टिंग वो टेक्निक होती है जिसमें बीज से उगाए हुए पौधे को बीच में से काटकर उसके ऊपर फल देने वाले पेड़ की कलम यानी सायन को जोड़ देते हैं। मैंने बीज से उगाए आम के पौधे की ग्राफ्टिंग करके गमले में ढेर सारे आम उगाने का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद भी किया था। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं काफी एफर्ट लगाकर आपके लिए गार्डनिंग रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम जून से लेकर अगस्त तक का टाइम होता है। अब फल देने वाले पेड़ से कलम यानी सायन के लिए ब्रांच सिलेक्ट करना है। अगर आपके आसपास लीची का कोई फलदार पेड़ है तो उसकी कटिंग ले सकते हैं। अगर ना हो तो आप कलम के लिए अपने आसपास की किसी नर्सरी से इस तरह का एयर लेयरिंग से तैयार पौधा 100 से लेकर 300-400 रुपए के बीच में आसानी से ला सकते हैं।
शार्प कटर लेकर उसे स्टेरिलाइज कर लीजिए और हाथों को भी सैनिटाइज कर लीजिए। कलम यानी सायन के लिए हमें उतनी ही मोटी ब्रांच लेनी है जितना मोटा सीड ग्रोन प्लांट का तना है। अब प्लांट को 6 इंच ऊपर से काट लेते हैं। अब एक शार्प ब्लेड को स्टेरिलाइज कर लें। ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए कटर को स्टेरिलाइज करना जरूरी होता है, नहीं तो इन्फेक्शन से ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। रूट स्टॉक को इस तरह से तिरछा कट कर लेते हैं। अब कलम को भी ठीक इसी तरह से उतना ही तिरछा कट करना है। अब दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि रूट स्टॉक और सायन आपस में परफेक्टली जुड़ जाए। इसे स्प्लाइस ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। दोनों को आपस में जोड़कर ग्राफ्टिंग टेप से या सेलो टेप से इस तरह से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। अगर ये जरा भी लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो जाएगी, इसलिए इसे टाइटली लपेटकर वाटरप्रूफ कर दीजिए। अब इसे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से कवर करके हल्का लूज बांध देते हैं। इसे सेमी शेड एरिया में रखिए। इस स्टेज पर ज्यादा पानी दिया तो ग्राफ्टिंग खराब हो जाएगी, इसलिए इसमें पानी तभी दीजिए जब ऊपर की मिट्टी हल्की सी सूखी लगे। ग्राफ्टिंग करे 19 दिन हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। देखिए इसमें 2 शूट्स निकल आए हैं। इसका मतलब हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है और दोनों कट्स के बीच बॉन्डिंग होना शुरू हो गई है। इसे दोबारा पॉलीबैग से कवर कर देते हैं। अब इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके, बाकी दिन ये शेड में रहे। इसे तेज धूप में नहीं रखना है क्योंकि इसके शूट्स अभी भी बहुत नाजुक हैं। यह है रिजल्ट 28 दिनों बाद का। इसमें नई पत्तियां निकल आई हैं। आप देख सकते हैं इसका एक शूट सूख गया है पर दूसरे में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोस्तों इस ग्राफ्टिंग के ज्वाइंट के नीचे से अगर कोई भी शूट निकले तो उसे काट दीजिए क्योंकि उसमें फल नहीं आएंगे। 1-1.5 साल में ये काफी घना हो जाएगा जिसके बाद इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। अब मैं 2 साल के इस फलदार लीची ट्री की ब्रांच में एयर लेयरिंग करके नया पौधा बनाऊंगा। ये पौधा भी एयर लेयरिंग से ही तैयार किया हुआ है जिसे मैंने नर्सरी से खरीदा है। एयर लेयरिंग में फल देने वाले पेड़ की ब्रांच में चीरा लगाकर मिट्टी के साथ गुट्टी बांध देते हैं जिससे जड़ें निकलने के बाद नया पौधा तैयार हो जाता है जो अगले ही सीजन में इस मदर प्लांट की तरह फल देने लगेगा। एक शार्प ब्लेड को स्टेरिलाइज कर लीजिए। हाथों को भी डिसइंफेक्ट कर लीजिए क्योंकि अक्सर गंदे हाथ या कटर के इस्तेमाल की वजह से एयर लेयरिंग खराब हो जाती है। अब इस तरह 1/2 इंच की दूरी पे 2 राउंड कट्स लगाइए। बीच में एक लंबा चीरा लगाकर इसकी स्किन को निकाल लीजिए। लीची प्लांट में फरवरी, मार्च और जून से सितंबर महीने में एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बरसात का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है। अब ब्रांच की इस सफेद लेयर को स्क्रैच करके थोड़ा छील लीजिए। इसके ऊपर कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर लगा सकते हैं, इससे रूट्स जल्दी निकलेंगी। अगर रूटिंग हार्मोन ना हो तो आप इस पर एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% नॉर्मल मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरह से गीला कर लीजिए। अब गीली मिट्टी को पॉलिथीन पर रखकर कट वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से अच्छे से लपेटकर कवर कर दीजिए। अब दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। एयर लेयरिंग के बाद इसे शेड में रखना है। इसमें रूटिंग शुरू होने में 4-5 हफ्ते लग सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फलदार पौधे जैसे कि अमरूद, नींबू और आम में एयर लेयरिंग करके नया पौधा बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से नींबू की एयर लेयरिंग करके नया प्लांट तैयार किया था जो साल भर ढेर सारे नींबू देता है। गमले में ढेर सारे नींबू उगाने वाले इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। दोस्तों एयर लेयरिंग किए हुए 52 दिन हो चुके हैं और इसमें रूट्स दिखाई देने लगी है, यानी हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है। इसमें काफी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है। अब इसे स्टेरिलाइज शार्प कटर से कट कर लीजिए। अब यह आइडेंटिकल क्लोन प्लांट गमले या जमीन में लगाए जाने के लिए तैयार हो गया है। 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाइए। अब इसे मिट्टी के गमले में लगा दीजिए और भरपूर पानी दीजिए। इसके बाद इसमें पानी तभी डालें जब चूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे।
जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए इसे ऐसी छायादार जगह पर रखना है जहां सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल सके। महीने में एक बार इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद डालें। फरवरी मार्च में लीची के पेड़ पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल में फल बड़े होकर हरी लीची में बदल जाते हैं। मई जून के महीने में लीची पककर लाल हो जाती है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इस पौधे में भी 4-5 लीचियां लगी हुई हैं, कुछ अभी भी कच्ची हैं। ये वाली गुलाबी होना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये पक गई है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अमेजिंग दोस्तों, ये फ्रेश लीची इतनी जूसी और मीठी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरह से आप भी अपने घर पर गमले में भी लीची का पौधा उगाकर ताजी मीठी लीचियों का मजा ले सकते हैं। अपनी गार्डनिंग रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डायरेक्ट चैट करने के लिए मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूं। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।